सब इंडस्ट्री का अपना अवार्ड मिल सकता है। बस उत्तराखंड फिल्म अवार्ड से अवार्ड मिला है। हमारे आदरणीय गुप्ता जी और कलाकारों को, यहाँ के तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, ये अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है, उनको मैं अपनी मैं कलाकार होने के नाते तो पूरी तरह चाहता हूँ, मेरा पूरी तरह से आज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा सिनेमा आगे जाएगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा तो टूरिज्म आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे कलाकार जो इस क्षेत्र के हैं उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अब आज इसका प्रोसीजर शुरू हो गया है, 29 अप्रैल को संपन्न होगा मुंबई में, जो एक बड़े अवार्ड फंक्शन का सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत यहाँ भी होगा। आपका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो 30 बरस पहले कल्पना भी नहीं की थी। ये एक यात्रा है जिसमें सतत आपके भीतर भी परिवर्तन होते हैं। यदि इस तरह के प्रयास होते गए जिस तरह विनोद गुप्ता जी कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी मंजिल यहीं उत्तराखंड में ही ढूंढ लेंगे। तो ये तो थे हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। कैमरामैन सौरभ के साथ नेहा कठैत, एजेंट। उत्तर प्रदेश का पार्ट है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आज कहीं न कहीं इनको अपने प्रदेश से लगा है, अपनी कला से लगा है, अपनी भाषा से लगा है। इन्होंने हर साल फिल्में बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत पांडे जी को, रतन दयाल जी को, नौटियाल जी को देना चाहता हूँ। डांस जो है मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो इतनी एक्साइटिंग है और पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि महाराष्ट्र की धरती पर ये शो करने जा रहे हैं, तो खुशी इस बात कहीं खुशी भी है कहीं बुरा भी लग रहा है कि जो पहल हमारे बॉलीवुड के लिए उत्तराखंड के लोगों ने उठे करना चाहिए था बट वो नहीं पॉसिबल हुआ, लेकिन साथ ही में बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी ने हमारी छोटी सी इंडस्ट्री पे नज़र डाली है एंड वो इतना बड़ा हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए इतना बड़ा एक पुण्य गर्व होने वाली बात है। कोशिश करेंगे अगली फिल्म में और अच्छा काम करें ताकि अगली साल फिर जो अगला साल जो अवार्ड फंक्शन होगा उसमें हमारे काम को सराहा जाए। मुझे यार उसका लैंग्वेज बहुत पसंद आता है, मीठी है, खुशबू है उसमें, तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा। पहली बार उत्तराखंड फिल्म अवार्ड किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है कि विनोद जी खुद उत्तराखंड से नहीं है लेकिन फिर भी वो इस इंडस्ट्री को, इस अवार्ड्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गर्व की बात है एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट हिम एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही शुभ मौका है कि विनोद गुप्ता जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि इस तरह से एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो हर एक कलाकार या टेक्नीशियन हमेशा चाहता है कि उसके काम की एक परीक्षा हो और रिजल्ट उसको मिले। मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि तमाम उत्तराखंडी जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उन सभी लोगों की तरफ से, सभी कलाकारों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हम दिल से दुआ करते हैं कि उनका यह प्रयास हर तरह से सफल हो। आपको क्या लग रहा है, मतलब विनोद जी जिस तरीके से उत्तराखंड को भी आज पहला अवार्ड शो करा रहे हैं तो आगे भी वो ऐसे रेगुलर करते रहेंगे? मैं तो कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा भी उनके दिमाग में ये विचार आए कि वो ना करें तो उससे पहले हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनसे कहना है कि इससे भी बड़े लेवल पे वो करते रहें और हम सब लोगों का जो भी सहयोग है वो लेते रहें और हम उनके साथ। अगर मुझे वाकई में कोई दिल से पूछेगा तो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि इतने साल बीत गए और 2018 में हम ये सोच रहे हैं कि अवार्ड फंक्शन होने की, जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो कहीं से हमको बिगिनिंग मिली, इस चीज़ के लिए हमें बहुत खुशी हुई। विनोद गुप्ता जी की ये शुरुआत बहुत आगे जाएगी और बहुत जल्दी हम उत्तराखंड सिनेमा में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे और इसी तरह ये अवार्ड फंक्शन चलता रहे। एक्साइटमेंट बहुत है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में पहली बार हो रहा है ये। जो उत्तराखंडी फिल्मी हैं, कलाकार हैं, जो उत्तराखंडी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये प्रोत्साहित करने का बहुत ही अच्छा कार्य ABP5 मल्टीमीडिया द्वारा किया जा रहा है, उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। आज मुंबई में पहली बार उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड होने जा रहा है। सबसे पहले गौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 35-36 साल पहले इन्होंने एक इतिहास रचा, उत्तराखंड की फिल्म
जगवाल, और 36 साल के बाद ये दूसरा इतिहास आप लोग रच रहे हैं। मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने 35 साल बाद मुझको याद रखा और आज मुझे फिर से मंच पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड का प्रथम फिल्म अवार्ड कार्यक्रम आज एक सार्थक स्वरूप यहाँ पर ले रहा है, मैं इनको शुभकामना देता हूँ और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित करके लोगों को मनोबल और अपने फिल्मी कलाकारों का आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। हमरा उत्तराखंड में, हमरा पहाड़ में ठंडी हवा, हो ठंडी हवा बगेरे क्या भली लाग छे। सुबह क्यों ना वो जारे कि दिल मेरो तोड़िया ना हो। खुदेर सुने बजर लगी गे मेरी प्यारी बुली आज ब्योली बनी गे। बेस्ट लिरिक्स के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा राहुल कपूर जी, गोविंद पांडे जी। बेस्ट लिरिक्स इज संतोष खेलवाल। AB5 मल्टीमीडिया फर्स्ट उत्तराखंड फिल्म अवार्ड जिसका नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल अवार्ड, और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा विनोद गुप्ता जी को और परमेश्वर गौर जी को। विशेष सम्मान जो है आदरणीय पद्म भूषण श्री उदित नारायण जी को जाता है। करवाली पहली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला। लुक लुका छुप छुपामी थैवा देखली झल देखली मी जन झट मुखड़ी लुकैली झल मुखड़ी लुकैली झल मुखड़ी लुकैली। हां क्या बात है। बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड गोस टू तुषा भट्ट, फिल्म है ज्योति दीना। मंच पे बुलाना चाहूंगा प्रोग्राम के लिए हेमंत पांडे जी, तुषार भट्ट जी एंड अशिमा पांडे जी। मिस्टर अरशद खान वो आए और इस अवार्ड के लिए हमारा साथ दें जूरी स्पेशल अवार्ड में। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड उस फिल्म को दिया जाता है जिसने हमें उत्तराखंड के इस वक्त के हालात से दो चार कराया। हेलो उत्तराखंड। हमारे आदरणीय पारेसर गौड़ जी जिन्होंने नींव रखी उनको विशेष सम्मान से हम सम्मानित करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आए। सम्मान तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का है जो प्रत्यक्ष अप्रोक्स में इसके लिए काम करते हैं। फिल्म ऑन सोशल इशू। धार माधेरियाली सबकी मवासी दारुन, दारू की दुकान संग तक खोली नी सरकारुन। अरे अपना मर्दगे चल मर्दगे। हम बड़ा खुशी खुशी ये राज्य का खातिर शहीद हुई छा सोच छो अपरो राज्य बनलू तो यख भ्रष्टाचार नहीं होलू, यख विकास होलू। पर यख जो भ्रष्टाचार होने लगी उच वे देख दे मैं से निरह गए और भगवान से को समय मांगी दे यख आई हूं तुम ए दी कारी का इंस्पेक्टर लिख के चाल दे। ये खनन का खेल में मेरी हंसती खिलती झूठी जिंदगी में जो धूल मन्नान लगाई आज आते ही मन्नान मन्ना चोना के मैं यख छना यू कर। Social issue goes to Urmi Legi. Best actor, male. बन पटका शारा शर्म पानी ने ये तेरी दिए मुनेड़ी यार अंगुला जनी ने। अभी तो मैं तेरा आदमी ही बंद करें सुपर समझे कि तुम की सांस बंद नहीं करी। नहीं आज पान कर दू ये गोत है। ये गोत शराब मुक्त।
अवार्ड गोज टू हेमान पांडे। बोल गोपी क्या इच्छा चाहते? हे भगवान सो क्या उम्र अभी तक जो होगी सो होगी जो तो इनकरियाली सो करियाली यकसुई बोलो जो मैं चाह सरा मुख सरा और एक आदर्श गौ मोड़ा लो ये लिया पकड़ा अपना रुपया और ढंग से गिन लिया 1,00,000 रुपए से ज्यादा ही होला बड़ा मजा आणु होलू है तो इतने जवान छोरी का हाथ पकड़ नमा गणेश खन्ना जी को ही जाता है ये अवार्ड आपको आगे से ज्यादा लोगों के दारू पी पी के लीवर खराब हो गए सिगरेट पी पी के उनके फेफड़े खराब हो गए सरा मुख सरा और एक आदर्श गौ मोड़ा लो मिलिट्री में भर्ती है बेर देश सेवा करना अच्छा तुमों के लिए भी फौज पसंद है हाँ? अभी तो मैं तेरा आदमी ही बंद करें सुकर समझे कि तुमकी सांस बंद नहीं करी और तेरी शुद्धिकरण तभी होने जब मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह राणा की टिप्पणी टाल लगे दूर आज बेटे तू म्यार बेटे नहीं प्यार बाबा जी आर वाला चल अभी का अभी मेरी नैनी थे यक ले गया गोपी वीणा जिसकी प्रोड्यूसर है वीणा सिंह भट्टी इस मंच पर आए विनोद गुप्ता जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट किसी ने इनिशिएशन लिया है एंड आई होप कि इससे प्रोड्यूसर्स का एंड डायरेक्टर्स का एंड आर्टिस्टों का हौसला बढ़ता है सो थैंक यू सो मच विनोद गुप्ता जी एंड आई होप कि आगे ये सिलसिला जारी रहेगा थैंक यू सो मच विनोद गुप्ता जी को बधाई देता हूँ इन्होंने हमेशा से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो चाहे कोई भी रीजनल फिल्म हो उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड पहली बार हुआ है इसको विनोद जी आगे ले जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है गोपी बिना को समय तक बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है जो फिल्म हमने बनाई थी सुबेरो खाम ये म्यूजिक के लिए मिला है और ये बेस्ट फिल्म सोशल इशू के लिए मिला है ये फिल्म उत्तराखंड में जो अवैध खनन चल रहा है उस पे और भाई बहन के रिश्तों पे जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं जैसे मेरे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के भोजपुरी के लोग हैं आज प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड मुंबई में मलाड में संपन्न हुआ बेहद खुशी हो रही है उसके लिए मैं अपने टीम को सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अरशद खान जी को संजय कोरवे जी को तमाम हमारे दोस्तों को जिन्होंने इस काम में मुझे सहयोग किया हमारी बेटी का बड़ा सहयोग है पत्नी का बड़ा सहयोग है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत साथ दिया